नवाज शरीफ का इलाज सरकारी अस्पताल में होगा या प्राइवेट डॉक्टर्स करेंगे, फैसला ना हो सका। हुकूमती पेशकश पर लीगी कयादत ने भी कोई जवाब नहीं दिया। साबिक वजीर आजम के लिए जेल में लाइफ सेविंग यूनिट 24 घंटे मौजूद। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान आजमिया साहब से मुशावरत करेंगे। कायद से इजहार यकजहती के लिए लाहौर प्रेस क्लब पर नून लीग का एहतजाज। किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैंने सिर्फ लंदन में जाना। नून लीग के अंदर एक धड़ा है जो अब नवाज शरीफ की सेहत के ऊपर सियासत कर रहा है। खुर्शीद शाह कह रहा है नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो पर्चा इमरान खान पे काटने काटेंगे। तुम्हें नवाज शरीफ की फिक्र नहीं है, तुम्हें अपने जेल जाने की फिक्र है। नून लीग वाले नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। ऑपोजिशन के साथ जाती लड़ाई नहीं, मुल्क लूटने वालों को हिसाब देना होगा। वजीर इत्तला फवाद चौधरी की जहलूम में घन गरज, कहा खुर्शीद शाह को नवाज शरीफ की नहीं अपने जेल जाने की फिक्र है। नून लीग भी मैदान में आ गई, इल्जाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे। आए पार्लियामेंट में मुआशी तरक्की और मुल्क इस्तेहकाम का एजेंडा तय करें, हमजा शहबाज ने पेशकश कर दी। दो मुकदमों में चोर डाकू कहते थे, अदालत का फैसला पढ़ पाकिस्तान के इस काम पे, पाकिस्तान के मुआशी तरक्की में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। एक क्लियर एजेंडा पार्लियामेंट में तय होना चाहिए और उसके ऊपर हमें कारबंद होना चाहिए। बिलाशुबा जहाँ तो हम आदत को रहे हैं, जब दो बड़ी जमातों के दो बड़े लीडर बैठेंगे तो फिर यकीनन कुछ सियासी बातें भी होंगी। बुनियादी तौर पर हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नवाज शरीफ से मुलाकात पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो आज अयादत के लिए जा रहे हैं, कोई सियासी एजेंडा नहीं। कमर जमान कायरा कहते हैं दो लीडर्स बैठेंगे तो सियासी बातें तो होंगी। दिल्ली में जो हमारा सफीर है, हम उस सफीर को वापस भेज रहे हैं और कहा सुहेल महमूद साहब को जाए वापस अपनी जिम्मेदारियां संभाले। लेकिन खुदा का करना ये था कि हमारा अनाउंसमेंट हुई तो पता चला कि दिल्ली का सफीर हमारे सफीर से इस्लामाबाद पहले पहुंच गया। भारत की जानिब से बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं, अपनी पोजीशन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मुफादात का तहफ्फुज करना है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा कौम मुत्तहिद रही तो इस इम्तिहान में भी कामयाब होंगे, इंशाल्लाह नए पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारहियत, आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर गोलाबारी से दो खातून समेत दो अफराद शहीद, सात जख्मी हो गए, तीन मकानात को नुकसान पहुंचा, पाक फौज का भरपूर जवाब। दुश्मन के मोर्चों में मौत का सा सन्नाटा छा गया। कराची के इलाके महमूदाबाद में फायरिंग, दो अफराद जान से गए, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया खानदानी तनाजे पर मारूफ बिल्डर के घर में पेश आया, मुलजिम खालिद ने फायरिंग करके भाई और भाभी को निशाना बनाया, बाद में खुदकुशी कर ली, तफ्तीश जारी। कराची के इलाके मंगूपीर में मोटरसाइकिल तेज रफ्तार टैंकर की जद में आ गई, तीन साल बच्चा जाँ बहक, दो बहन भाई जख्मी। बोर्ड बेसन पर गुजश्ता रोज ट्रॉली लिफ्ट गिरने से छह मजदूरों की हलाकत का मुकदमा दर्ज, ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कहती है इमारत के मालिक को भी पकड़ेंगे। फैसलाबाद का इतवार बाजार मैदान जंग में तब्दील, भवाना बाजार में ग्राहक को वापस बुलाने पर झगड़ा, गोलियां चल गई, फायरिंग से दो दुकानदार और उसके दो भाई जख्मी, मुलाजिम जान से गया। पुलिस ने चार मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। लोहदरा के मॉडल बाजार में खौफनाक आग, शोलों ने 30 से ज्यादा दुकानों को लपेट में ले लिया, फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। दरबार की गद्दी और जायदाद के तनाजे ने सगे भाइयों को जानी दुश्मन बना दिया, डेरा गाजी खान में पुल सैदन शाह में बड़े भाई ने बेटों के साथ मिलकर छोटे भाई की जान ले ली। वारदात के बाद मुलजिमान लाश को खेतों में फेंक कर फरार, तीन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कर्जा देना था 3 लाख रुपया किसी जिम्मेदार का, सिरी लगाऊ, इसलिए सर मैंने की है। मंडी बहाउद्दीन पुलिस की कार्रवाई, चोरी डकैती की दर्जनों वारदातों में मतलूब, दो मुलजिमान गिरफ्त में आ गए, मुलजिमान का एतराफ जुर्म, कहा जमींदार का कर्ज उतारने के लिए वारदातें करते थे, डाकुओं के कब्जे से 20 मोटरसाइकिल्स, असलहा और 4 लाख रुपए बरामद।
सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी। कल रात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। क्वेटा में बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली और गैस की फराहमी मुअत्तल। नौशकी के नदी नालों में तुखियानी आ गई। रेलवे ट्रैक डूबने से मालगाड़ी फंस गई। चमन में मूसलाधार बारिश। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दादू, हैदराबाद और लाड़काना में भी अब्रे रहमत जमकर बरसा। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को हीर रांझा, कोयल और मिर्जा जट जैसी यादगार फिल्में देने वाले हिदायतकार मसूद परवेज की 18वीं बरसी आज मनाई जाएगी। मद्दाहों का खिराज अकीदत।